वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फादर्स डे के लिए कार्ड। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। हम लोगों ने एक पेपर लिया है और अब मैं इसे फोल्ड करूंगी। हम लोग इसे पहले वाले से हम लोग इसे फोल्ड किया। अब मैं इसे खोल दूंगी और अब फिर मैं इसे यहाँ तक फोल्ड करूंगी। ये देखिए, ये देखें, हम लोगों ने इसे फोल्ड किया था तो ये इस तरह हो गया। और अब मैं इसे क्लोज करूंगी मिस केल से, यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दूंगी मैं। यहाँ साइड फोल्ड हो गई और अब मैं दूसरी साइड करूंगी, ये और ये देखें। और अब मैं इसे ओपन करूंगी और इसे फोल्ड कर दूंगी। ये भी फोल्ड हो गया और अब मैं इसे रख दूंगी। और अब मैंने पिंक कलर का पेपर लिया, आप इसके साथ कोई भी कलर कंट्रास्ट कर सकते हैं। मैंने पिंक कलर का पेपर लिया और अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और फिर मैं इसको इसके अंदर डालूंगी। ये देखें, हम लोगों ने इसको इसके इक्वली को हम लोगों ने इसका इक्वल लेना है, उसके इक्वल लाइंस हो गई। और अब मैं इसे यहाँ से स्केल रखूंगी और कट कर दूंगी। ये देखिए, मेरा कट हो गया। और अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर दूंगी। मैं इसे यहाँ तक फोल्ड कर दिया है, डायरेक्ट फोल्ड हो गया है। और अब मैं फिर इसको स्केल लूंगी, फिर यहाँ से कट कर दूंगी ये। और अब मैं इसे यहाँ तक कट करूंगी ये कट हो गया। अब इधर से भी करूंगी, वैसे भी आज फादर्स डे था तो मैंने सोचा कि अपने बाबा के लिए कोई कार्ड बनाऊं, तो ये उनके लिए स्पेशल कार्ड है। ये कट हो गया। अब मैं इसे ग्लू से उसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। इसे यहाँ से खोला और इधर से ओपन करूंगी। हम लोग यहाँ पर इसे ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ग्लू लगा दी। देखिए, हम लोग इसको यहाँ पर रखा और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी ये। इसे स्टिक हो गया है। देखिए, मैं अब ये यहाँ से परफेक्टली हो गया और अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी ये। इसके कॉर्नर्स इक्वली मैंने इक्वल रखकर फोल्ड कर लिया। ये देखें, अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब मैं इसे कोट के अंदर डालूंगी। ये देखें, ये आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस कि आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। आपको जिस कलर का कंट्रास्ट करना है वो कर सकते हैं। और अब मैं इसकी टाई बनाने लगी। इसके लिए रेड पेपर लूंगी। अब मैं इसे मिडिल पॉइंट लूंगी और देखिए, मैं टाई के ये डायरेक्ट लाइन लगाई है तो उसके ऑपोजिट लगाऊंगी। ये देखिए, और
इस वाले को भी उसी तरह लिखूंगी। ये देखें, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया और अब मैं इसे यहाँ से लाइन की तरह फोल्ड कर दूंगी। इसको भी उसी की ही तरह करना है। ये देखें, मैं इसे एक साइड से फोल्ड करूंगी। ये देखें, और अब मैं इसको ट्रायंगल इस कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर फोल्ड करूंगी और फिर मैं इसकी ट्रायंगल की बराबर ही ये फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड कर दूंगी, यहाँ से यहाँ से भी फोल्ड कर दिया और मैं इसे यहाँ से इस कॉर्नर तक फोल्ड कर दूंगी। ये यहाँ से फोल्ड होगी, देखें इसकी असल टाई जैसी मिल गई है। तो इस वाले को भी मैं उसकी ही तरह करूंगी। ये और मेरी टाई बन गई, देखिए ये टाई हमारी बन गई और मैं इसे ग्लू लगाऊंगी। ये देखें, मैं इस टाई पे ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लग गई और अब मैं इसके अंदर से शर्ट पीस निकालूंगी और ये शर्ट पीस पे लगाऊंगी। ये देखें, मेरी ग्लू स्टिक हो गई और ये मेरी टाई बन गई। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया और मैं ये देखें, ए भी स्टिक हो गया, अब मैं डी स्टिक करूंगी। ये देखें, अब डी भी स्टिक करने वाली हूँ। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूंगी। ये देखें, मैं हर्ट्स भी स्टिक कर लिए, मेरे हर्ट सारे स्टिक हो गए। और अब मैं इसे बलून बनाऊंगी। ये बलून बन गए, बलून मैंने बना लिए और अब मैं यहाँ पर हैप्पी फादर्स डे लिखूंगी। हैप्पी फादर्स, हैप्पी फादर और ये देखिए, मैंने ए फोर साइज पेपर लिया और अब मैं उसे फोल्ड करूंगी। ये इसके इक्वल फोल्ड होने चाहिए, इक्वल फोल्ड हो फिर ये सही बनेगा।
जैसे ही आप लोग फैन बनाते हैं उसी तरह ही फैन की ही तरह फैन की ही शेप में बनेगा। ये देखें अब मैंने सारा फोल्ड कर लिया और अब मैं ये लास्ट वाला भी उसी की ही तरह से करूंगी। ये अब मैं इसे खोलूंगी और इक्वल फोल्ड करूंगी ये और इस तरह यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया। अब मैं ग्लू लूंगी और यहाँ पर ग्लू स्टिक कर दूंगी। ये देखें ये बन गया, एक पूरा फैन बन गया। हम लोगों ने इसकी तरह दो बना लिए और अब मैं इसे स्टिक करूंगी। ये देखें मैं इस डैड्स के लिए जो शर्ट बनाई थी उसके अंदर मैं उनको फिक्स कर दूंगी। मैं इन पे ग्लू अप्लाई कर दूंगी। अब मैं ग्लू इस पर अप्लाई करूंगी। मैं इसके यहाँ से ग्लू से स्टिक करूंगी। ये देखिए ये ग्लू स्टिक लगा दी और अब मैं यहाँ से इसको स्टिक करूंगी। और अब मैं कोट को डेकोरेट करूंगी और मैं इसके बटन्स लगाऊंगी। ये सर्कल्स भी मैंने पहले के ही काटे हुए थे। ये देखिए आप किसी भी पेपर का सर्कल काट सकते हैं। देखिए मैं फादर्स डे के लिए रेडी हो गया और इसकी फाइनल लुक ये है और अब मैं इसे ओपन करती हूँ। ये है इसकी फाइनल लुक और आप इसे ज़रूर बनाना ट्राई करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय।